much for tuning into my channel. This is Jamie. Guys, normally तो हमारे band baja budget series videos में मैं आपको wedding planning के ideas देती हूँ, budget wedding decor के ideas देती हूँ, which you obviously like. आज के video में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाली हूँ. I hope that you all would relate to me. So in today's video, I'm gonna talk about the top 11 things that I feel are very important to decide your life partner whom you want to marry for life. जब मैं 20 साल की थी, अगर कोई मुझसे आके पूछता कि मतलब जेमी व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ पार्टनर वुड यू वांट और व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू वांट इन द पर्सन हुम यू वांट टू गेट मैरिड टू, तो मेरा तो मतलब बहुत ही रेडीमेड आंसर था. ठीक है, मैं बोलती थी कि या ही शुड बी लविंग, ही शुड बी केयरिंग, ही शुड बी सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग, ही शुड बी ऑनेस्ट एक्सेट्रा, विच आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सारी क्वालिटीज है, दीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. बट यू नो व्हाट गाइस, I'm 30 years now and I've had my own share of good and bad experiences in life and I've learned a lot of lessons from it. And today I can tell you that there's so much more to actually give and take from a relationship, and especially when you're marrying someone for life. तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं पहले बता दूं कि मैंने ऑनलाइन कहीं से कॉपी नहीं किया है. दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, दिस इज कम्प्लीटली अबाउट हाउ आई फील. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आज आपको बताती हूँ व्हाट आई फील आर द टॉप 11 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट योर लाइफ पार्टनर हु यू वॉन्ट टू मैरी फॉर योर एंटायर लाइफ. व्हेनेवर यू आर अराउंड योर पार्टनर, आस्क योर सेल्फ, आर यू एबल टू बी योर सेल्फ कम्प्लीटली व्हेन यू आर विद योर पार्टनर. मतलब आप जो हो, जैसे हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आर यू एबल टू बी योर रॉ ऑथेंटिक सेल्फ व्हेन यू आर अराउंड योर पार्टनर. आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू पीपल अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज दे आर, एंड देयर इज नो कांस्टेंट प्रेशर टू चेंज ईच अदर. सो बी योर सेल्फ, दैट इज द फंडा. कंपैटिबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन केमिस्ट्री. नाउ यस, केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट. मैं ये नहीं बोलूंगी दैट अट्रैक्शन डज नॉट मैटर. ऑब्वियसली इफ यू हैव टू लिव विद समवन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू बी अट्रैक्टेड टू द पर्सन, यू नीड टू हैव दैट स्पार्क. यस यस, यू नीड टू हैव दैट स्पार्क. बट आई थिंक केमिस्ट्री इज अ बिट ओवरहाइप्ड. यू नो, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के रख दिया है हमने इस केमिस्ट्री वाले वर्ड को. टू पीपल आर ऑलवेज यूनिक इन देयर ओन डिफरेंट वेज, एंड खुद की पर्सनैलिटी होती है, खुद की बिलीव्स और खुद के वैल्यूज होते हैं. सो टू बी कंपैटिबल, जैसा मैं बोल रही हूँ, व्हाट आई वुड से इज दैट यू नो, फॉर एग्जांपल, यू हैव नोटेड डाउन लाइक यू नो टॉप 10 थिंग्स, जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके हॉबीज हैं, या फिर जो आपके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, एंड योर पार्टनर हैज ऑल्सो नोटेड डाउन 10 थिंग्स जो भी उसका है. That should match to some level. It should not be a complete mismatch. At least it should have a like 60 to 70% match, I would say, you know. Two people having different values and different upbringing, different thoughts about life should match somewhere. Mutually respect each other's goals, dreams and beliefs. Don't hold each other back. आपके पार्टनर को किसी चीज से खुशी मिलती है, देन आई थिंक यू शुड गिव देयर स्पेस टू डू इट. यू नो, रिस्पेक्ट देयर गोल्स, रिस्पेक्ट देयर पैशंस, व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ. गिव ईच अदर द स्पेस टू ग्रो एज देयर ओन पर्सनैलिटी. कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप. यू नो, मतलब इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द रिलेशनशिप. आई वुड से यू डोंट कीप थिंग्स विद इन यू, ऑलवेज कम्युनिकेट विद योर पार्टनर. यू नो, एंड इट्स नॉट लाइक कि बाबू क्या खाया, बाबू कब सोया, कब उठा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कम्युनिकेशन, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंटली अबाउट हाउ यू फील. आपको क्या चीजें अच्छा लग रहा है, आपको क्या चीजें नहीं अच्छा लग रहा है, यू नो, और वट एवर. यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स टू योर पार्टनर. एंड सबके कम्युनिकेशन वेज अलग होते हैं. आई एम श्योर, यू नो, इन अ रिलेशनशिप सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट, सम पीपल डोंट टॉक दैट मच, दे आर क्वाइट एंड शाई. तो यू शुड फाइंड अ वे टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर कम्फर्टेबली. गाइज, यू कैन डिसएग्री, यू कैन फाइट, यू कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स, कम्प्लीटली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं आपके. यू नो, इट्स ओके, चिल. बट द मेन पॉइंट इज दैट आप कितना भी झगड़ा कर लो, ओके, झगड़ा करो, बट नो हाथापाई एंड ऑल दैट, ओके, नो कबीर सिंह. बट इन द एंड व्हाट आई फील मैटर्स इज दैट वॉट एवर योर डिसएग्रीमेंट्स आर, वॉट एवर योर व्यू पॉइंट्स आर, विच कैन बी कम्प्लीटली ऑपोजिट, यू शुड हैव अ सेफ स्पेस वेर यू कैन सिट टूगेदर एंड टॉक अबाउट इट. यू नो, यू कैन से दैट हे, दिस इज वॉट आई फील. यू शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट फाइट इन टू अ वर्बल आर्ग्यूमेंट to a discussion. It's not a teammate, team B here. You know, in the end, both of you, you are in the same team. You are in one team dealing with the situation, finding a common solution to a situation. Sit together.
together, talk about it, talk your heart out about how you feel and come to a common conclusion. मतलब halfway दोनों आ सकते हो यार, आधा तुम यहाँ से आ जाओ, आधा your partner will come and you can find a conclusion which is comfortable to both of you. When you're marrying this person for your entire life, you're waking up to each other every morning, you're going to sleep with each other every night, you're literally breathing around the same space with each other, right? You need to be friends, yeah. You have to be friends. There's no way out. You have to be friends. Because baki sab kuch ek taraf, you know, romance, spark, chemistry, everything on one side and friendship on the other. Choose friendship because that is what is going to last for the rest of your life. And also guys, it's not always about having fun together, going for trips together, pura party karna saath mein, you know. You should also have comfortable silences around each other, you know. What I'm saying is, you know, if you are there in the same room, if your partner is doing something on his laptop, for example, and if you are reading your book on the other side of the room, you can enjoy your space, as we call it. Sabka apna apna space hota hai and you should just let each other be. Another very important thing is trust. Obviously, trust is another major pillar jis pe relationship khada hota hai. But trust is something again which is very interesting and has a lot of layers within itself, you know. Kabhi bhi aap jab ek relationship start karte ho, to matlab bahut sara trust nahi hota hai, you know. Trust is something jo layer by layer, level by level build hota hai. Trust and respect jis relationship mein nahi hai na, wahan pe pyar does not exist, you know. Wahan pe pyar nahi ho sakta. For the love to exist, you need to trust each other, you need to respect each other. Now, one very interesting thing that I feel is very important to study about your partner is that, you know, you should always know how your partner is with others. Kehte hai ki, you know, the way we are with our friends, we are our true selves. Hamare sare true colors nikal ke bahar aate hain. Do check out how your partner is with his or her friends. I think that factor is very important. You will get to know a lot more about your partner if you see how he's actually out in the public. How is he treating people? Or how are they behaving with people who are in a different social status, for example? That actually shows how compassionate they are. What do they feel for the poor and needy, you know, things like that. I feel that is very important, that how your partner is behaving out in the society. Jaisa ki maine bola, 10 years back when I was 20, I used to feel that matlab mia biwi razi to kya karega qazi, and you know, only the people who are in love, only that is important. Matlab parents ka koi role nahi hai ya fir family ka koi role nahi hai, you know. No, that's not true. Talking maturely, talking from a mature point of view, I would say family background is very important. आपका जो partner है, their family background, their upbringing, their values are very important. You know, do take a look into that. Now you would think that अगर शादी के बाद if you are not going to stay with your in-laws, अगर it's not a joint family, अगर आप separate रहने वाले हो, तो then how is that going to affect? How is that even a factor? I'm just going to stay with my partner, right? But you have to understand that your partner, this person, is actually a reflection of his family. His genes are the same, how he's brought up, how he thinks. The roots are from the family. So it's very important that you understand his family, you understand their way of thinking, and you understand their take on life and their take on everything what is important to you before you get into a marriage, guys. Family background is actually very important. जितने मैंने पॉइंट्स बोले, मैं उनको सीक्वेंशली ऐसे मैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रही हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक ऑल द फैक्टर्स दैट आई एम मेंशनिंग आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. वन सच इक्वली इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेट मैरिड इज फिनेंशियल इंडिपेंडेंस. ये नहीं बोल रही हूँ दैट यू शुड बी वेरी रिच एंड यू शुड बी कम्प्लीटली वेल सेटल्ड इन लाइफ. मतलब गाड़ी बंगलो सब कुछ होना चाहिए एंड देन यू शुड गेट मैरिड. नो. But you should be financially independent is what I'm saying. And one thing that I want to make very clear here is that I'm not saying that the guy should be financially independent. What I'm saying that the guy and the girl, both of you should be financially independent. Both of you should be able to take care of yourself, you know. For all the girls watching this video, my personal take is, yaar, ladkiyo, job karo. Focus in life, get a job, be independent. Girls, financial independence is very important. There's one more thing, the last thing that I would like to talk about is gender equality. Especially हम इंडिया में हैं, मुझे पता है that gender inequality is a big factor and I'm very much against it. I'm not being a feminist here, but I'm just talking about जो सच है यार. सच है तो सच है. आज भी ऐसे बहुत सारे relationships हैं, बहुत सारी शादियां हैं जहाँ पे dowry की मांग होती है, right? बहुत सारे ऐसे relationships हैं जहाँ पे the girl is not expected to work, the girl cannot study further.
So my request to all of you guys watching this video is that come out of all this, guys. Aankhein kholo apni. Girls, stand up for yourself, be independent. And for guys, I do want to tell you that, you know, please come out of all these inhibitions that, you know, girls can't work after marriage and a girl is supposed to cook, a girl is supposed to clean the house, you know, ye sab to ladkiyon ka kaam hai. Come out of all that. Hum log 2020 mein hain, hum log 21st century mein hain. अगर बाकी सब में आप पूरा मतलब प्रोफेशनल बन सकते हो, आगे निकल सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो गिव दिस अ थॉट. सो दीज आर द टॉप 11 थिंग्स दैट आई फील पर्सनली आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द पर्सन यू वॉन्ट टू मैरी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इफ टू पीपल आर एबल टू मैनेज एंड वर्क आउट ऑल दीज थिंग्स टूगेदर, वट एवर आई सेड, दे आर इन लव, नो डाउट अबाउट दैट, यू नो दैट इज लव. सो गाइज, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस वीडियो. आई होप दैट यू आर एबल टू रिलेट टू वट एवर आई सेड. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर बैंड बाजा बजट सीरीज. दिस वीक आई नो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बना दिया मैंने. So guys, see you next week with another video. Till then, bye bye. See you, love you so much.